हेलो एवरीवन जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे हैं इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का प्रिपरेशन ऑफ सॉयल सोइंग एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पार्ट्स हम कर चुके हैं आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इरीगेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरीगेशन सिंचाई ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल की आवश्यकता पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए विशेष महत्व रखती है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है एलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब जल के साथ साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है प्लांट्स कंटेन नियरली नाइन्टी परसेंट वाटर पौधों में लगभग नाइन्टी परसेंट जल होता है वाटर इज असेंशियल बिकॉज जमिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट जल में घुले हुए पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम गोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कर पाले एवं गर्म हवा से बचाता है टू में मॉइस्टर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ हैव टू बी वाटर रेगुलरली स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है द सप्लाई ऑफ वॉटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवेल्स इज कॉल्ड इरीगेशन निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्नता के कारण भिन्न होता है इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर ग्रीष्म ऋतु में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है व्हाई इज इट सो ऐसा क्यों होता है कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड द लीज क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने के कारण होता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स अब पूछो कह रहा है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ लास्ट समय माय प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे सोर्सेस ऑफ इरीगेशन सिंचाई के स्रोत द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स ट्यूबवेल्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स डैम्स एंड कैनाल्स कुएँ जलकूप तालाब नदियाँ बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरीगेशन सिंचाई के पारंपरिक तरीके द वाटर अवेलेबल इन वेल्स lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields कुओं झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेत तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं कैटल ऑफ ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मैथड्स और इन कार्यों के लिए या इन विधियों के लिए मवेशियों अथवा मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट इसलिए ये सस्ते हैं लेकिन कम दक्ष हैं द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर विभिन्न पारंपरिक तरीके ये हैं पहला है, मोट पुलिस सिस्टम यानी कि घिरनी द्वारा चेन पंप ढेकली एंड रहट रहट उत्तोलक तंत्र पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वॉटर अक्सर जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है डीजल बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स और इन पंपों को चलाने के लिए डीजल बायोगैस विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिंचाई के आधुनिक विधियाँ मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प टू यूज वाटर इकोनॉमिकली सिंचाई की आधुनिक विधियों के द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं द मेन मैथड्स यूज आर एज फॉलोज मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि छिड़काव तंत्र दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अन इवन लैंड सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल ये तंत्र उन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी है जहाँ की जमीन असमतल है तथा पानी की भी उपलब्धता कम है द पेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप अ ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स उर्धव पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो कि निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं वेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो ये घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग और ये इस प्रकार गिरता है जैसे वर्षा हो रही हो छिड़काव कॉफी की, की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है ड्रिप सिस्टम ड्रिप तंत्र इन दिस सिस्टम द वॉटरफॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूड प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज ये फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है वॉटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इसलिए ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा कितने तरह के सिंचाई के तरीके क्या क्या हैं और कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग